बसमीम जी आज के टॉपिक में हमने जो है वो अपासी डानेस्टी जो है उसका डिक्लाइन देखना है कैसे करके उनकी हुकूमत ख़त्म होगी और इसके अलावा जो है हमने ये देखना है कि जो हमारे पास फातमीद और अहल तशी जो है उनके मुख्तफ जो सब कास्ट है या एह तशी का जो मुकम्मल इरा है कैसे उसको देखना है हमने फातमी अम्पायर को देखना है हमने और इसके अलावा जो बारह इमाम हैं उनको हमने थोड़ा सा देखना है तो ये चीजें आज के लेक्चर में होंगी अब इसमें जो डिक्लाइन की बेसिक वजह है वह एहत बने के केबासीद को जो डिक्लाइन होगा इनका तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो अब जो है क्विकली मैं स्टार्ट करूंगा इसका बेसिक हमें पता है बेसिक ये था कि हमारे पास तीन ट्राइब थे हज़रत अब्दुल मुतलिप से दो बनते हैं जी हजरत अब्दुल्ला हजूर और आ, फिर ये अहले बैत मतलब उसमें जो खुलाफा राशिदीन है आ, फिर हजरत अली हो गए हजरत अली के बाद इमाम हसन तो ये खिलाफत राशिदा यानी एक फैमिली एक प्लेन एक प्लान हो गया हमारे पास अब दूसरी फैमिली हमने देखी थी हज़रत अब्दुल अब्दुलतलब से आगे हजरत अब्बास हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इबन अब्बास अब्दुल्ला इबन अब्बास के बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके बेटे इब्राहिम अब्बास सफ़ा अल मंसूर और ये चल पड़े आगे जी अब्बासीद डायनेस्टी और इससे पहले हमने दरमियान में देखे थे उमैस ये भी कुरेश में से ही थे तो ये अब्दुलमतलब की बजाय जो है वो दूसरे अद, जो है वो अशम्स की औलाद तो शम्स में जो है वो आगे अबू अलास अबू अलास में से आगे हाकम बिन मरवान और हाकम बिन मरवान से जी आगे चल पड़े थे अब्दुल मलिक अब्दुल मलिक और ये वलीद बिन अब्दुल मलिक और हशाम बिन अब्दुल मलिक सलमान बिन अब्दुल मलिक ये अमैयत डेनेस्टी थी उमैय खलाफा राशिदीन को रिप्लेस किया उमैय ने उमैत को रिप्लेस कियाबासीद ने और अब अबासीद को रिप्लेस कौन करने आएंगे जी फिर से बैत में से क्योंकि एहल बैत में जो हमारे पास जो बैत का प्लान है उसमें कौन है जी अब हज़रत इमाम हसन की औलाद है और हजरत इमाम हुसैन की लेकिन इमाम हसन की जो औलाद उनके दो बेटे थे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जक ज़किया जिनको शहीद कर दिया गया था अः की तरफ से और फिर जो है उनके भाई थे या, या उसको भी हम देख चुके हैं कि वो उनको वहाँ पर महदूद कर दिया गया अब जो है बाकी अः हज़रत इमाम हुसैन की औलाद हजरत फातिमा से जो आगे चल रहे हैं अभी हजरत इमाम हुसैन में जो है वो आ, आ, जो है वो उनके बेटे जैनदीन जैनदीन से आगे जो है वो फिर आपको पता है इमाम जाफिर इमाम सादिक, आ, इमाम बाखिर और इमाम जाफिर इमाम जाफिर सदिक से जो है वो फिर आगे इनका सिलसिला चलेगा जो फातिमीद कहलाएंगे और ये एक एम्पायर खड़ी कर देंगे और अबास को यहाँ से भगा निकालेंगे बहुत सारे एरिए में तो अब ये सारे मामला हम देख चुके हैं जी तो अब ये जो है ना हमने इनको डिस्कस करना है इमाम हसन में से आगे यानी हजरत एहल तशी को देखते हैं जी एहल तशी जो है वो बारह इमामों को मानते हैं और ये जो बारह इमामों को मानने वाले हैं ना जी एहल तशी इनको हम कहते हैं जी अशरी शिया अशरीशिया क्या कहते हैं इनको जी अशरीशिया बारह इमामों को जो मानते हैं बारह इमाम वो कौन कौन से हैं जी इनके नाम को इकली हम देख लेते हैं बारह इमामों के तो हजरत अली हजरत उनके बेटे है इमाम हसन फिर हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हुसैन से आगे औलाद उनकी सारी हजरत जैनदीन इमाम जाफिर सादिक इमाम जाफिर बािर इमाम बाखिर के बाद इमाम जाफिर इमाम जाफ़र के जी दो बेटे होते हैं याद रखने हैं एक का नाम है इस्माइल इमाम इस्माइल और एक का नाम है मूसा काज़म तो इमाम इस्माइल जो है ये इमाम जाफिर के होते हुए इमाम जाफिर के दौरे हयात में ही इनका विसाल हो जाता है इमाम इस्माइल का तो इस वजह से अब इनके क्योंकि अभी इमाम तो चल रहे थे इमाम जाफिर इमाम इसमाइल तो इनके जो बेटे इसमाइल थे वो तो विशाल हो गया उनका तो अब इमाम बनेंगे मूसा काजिम मूसा काजम उनके जो दूसरे बेटे हैं तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इसमें से जो एहले तशी अशरी के अलावा एक और आ, जो कुछ अहल तशी थे वो उन्होंने कहा कि हम तो इसमाइल को इमाम मानते हैं हम इसमाइल को इमाम मानते हैं और आ, इसके बाद जो है वो इमामों का सिलसिला ख़त्म बाकी इमामों को नीचे को वो नहीं मानते तो अब इमाम इसमाइल जो है ये जो मानने वाले हैं ना इमाम इसमाइल के इन्हें हम इसमाइली अहले तशी कहते हैं इसमाइली शिया अब ये जो इसमाइली शिया हैं इन्होंने इजिप्ट में एक बहुत बड़ी अम्पायर खड़ी कर दी एक रियासत बना ली थी जो अबास के मुकाबले में तो उसको फातमीद रियासत फातमीद अम्पायर या इसमाइली अम्पायर भी आप कह सकते हैं तो ये फातिमीद या इस्माइली हजरत इमाम इसमाइल को मानने वाले हैं इसको आगे जाकर देखते हैं फिर अच्छा इसके, इसके बाद है जी भूसा तजम उसके बाद अली अल रिदा ये आगे चल रहे हैं जी अली रिदा के बेटे अली बिन तकी फिर अली बिन नकी फिर हसन जक्री और इमाम मेदी देखिये याद करना मुश्किल नहीं है इनको बारह इमामों को याद करना बहुत आसान है अगर आप क्विकली देखें तो पहले तो चार वैल होना है इमाम अली इमाम हसन इमाम हजरत हुसैन जैनदीन सारों ने नाम सुने हैं अब इसके अलावा अगर इमाम बाकििर और इमाम जाकििर की बात करें तो ये भी बहुत वेल नोन है सभी को याद होगा छह तो सभी को आते हैं आखिर में बारहवें नंबर पे इमाम रहती है सारों को पता है ये इमाम आना ही आना है तो सात हो गए अब इसके बाद एक याद रखना है मूसा काजिम बाकी अलीअलिदा ये सियासत में इन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा लिया था उस टाइम पे तो बाकी ये तकी नकी और अस्करी तकी नकी और अस्करी तकी और नकी बेटे हैं अली अल-रिदा के तो अली बिन तकी अली बिन नकी और हसन अस्करी तो इसके बाद इमामेदी तो हम सबको पता है जी तो ये याद करने का ट्रिक है तकी और अस्करी और अली रिदा और ये हमें याद रहेगा इसकी एक स्टोरी है मूसा काजम की स्टोरी भी आ गई कि इसको इसका भाई इसमाइल है तो इसमाइल को मानते हैं जी और मूसा अलकाजम को जो है वो नहीं मानते तो उनको हम जो है वो आ, कौन से एहले तशी कह रहे हैं जी दो इंट्रोड्यूस करवा दिए बारह को जो मानते हैं वो बारह इमामों को जो मानते हैं वो अशरी शिया और उनकी तादाद पचासी फीसद है दुनिया में सब मतलब सबसे ज्यादा जो आ, है एहले तशी वो कौन से हैं अशरी ये पाकिस्तान में भी हैं ईरान में हैं आजरबाईजान में हैं तो और अफग़ानिस्तान में हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में है बाकी जो पंद्रह फीसद है उनमें आ, आ जाते हैं जी इसमाइली यानी कि फातिमी और इसके अलावा जैदी जैदी और करामती जैदी कौन है जी जो हजरत जैन दीन तक मानते हैं चार इमामों को हज़रत अली को मानते हैं हजरत हसन को मानते हैं हजरत हुसैन को मानते हैं और हजरत जैन अब को मानते हैं और इसके बाद ये मैक्स्ट को इससे आगे नहीं मानते हैं. तो चार इमामों को मानने वाले जो है वो जैदी शिया कहलाते हैं जी तो तीन किस्म के आ गए चौथा रहता है जी करामती करामती जो है ना वो भी दरअसल इसमाइली है हजरत इसमाइल को मानते हैं लेकिन वो उनका ये मानना है कि जो जैन अब्दीन है ना इसमाइल जो है ना इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ ये आपको और नेक्स्ट स्लाइड में ना यहाँ पे यहाँ पे इनकी डिटेल भी है तो अच्छा जी ये जो है ना आ, इसमाइली इन्होंने कहा कि जो हजरत बेहतीम है ना सुन्नत का ये कॉन्सेप्ट है अहल सुन्नत का ये कॉन्सेप्ट है कि इमाम मेहती आएंगे उनकी वालदा का नाम ये आमना होगा वालद का नाम अब्दुल्ला होगा और वो आ, उनका वो जो है मक्का में पहले जाकर अरेबिया में एक अपनी आ, जो है वो सल्तनत कायम करेंगे फिर जो है वो खुरासान के इलाके से लोग जाएंगे आ, और वहां पर उसकी काले झंडे लेकर जाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे और इस तरह से वो मजबूत होंगे और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी और वो जो है फिर इस तरह से पूरे दुनिया में खुशहाली आएगी इस्लाम का बोल बाला होगा हजरत उमर के दौर की याद आएगी हमें हजूर के दौर की याद आएगी खलाफा राशिदीन के दौर की याद आएगी और इसी तरह से ये मामला होंगे तो दूसरी तरफ ये तो अहले सुन्नत कहते हैं अब ये इस्माइली जो है ये कहते हैं कि जो है ना आ, ये इमाम मेहदी नहीं आने वाले बस इमाम इसमाइल आए थे इमाम इसमाइल के जो है वो आ, बेटे हैं आगे तो वो बेटे जो है वो चलते आ रहे हैं और वो ही इमाम है और बस ये खत्म अब उन इमामों में देखा जाए तो अभी उनके जो इमाम चल रहे हैं ना इस टाइम पे वो फोर्टी नाइन्थ है और उसका नाम है जी पीपीएससी में पूछा जाता है आ, आ, जो मौजूदा इस्माइली इमाम है जो इस्माइल के औलाद में से आगे चल रहे हैं। तो उनका नाम जो है वो है जी आ, सर आगा खान थ्री। सर आगा खान सॉरी सर आगा खान सोए पांचवें आ, इमाम सर आगा खान पांचवें जो है वो है सॉरी पंजों पांचवें चल रहे हैं उनके और ओवरऑल अगर उनको काउंट किया जाए तो फोर्टी नाइन्थ नंबर पे है अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगा खान सोयम जो थे वो मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं इनके इमाम थे इसमाइलियों के जो आगा खान सोयम जो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमारी जो तहरीक पाकिस्तान थी उसके सदर रह चुके हैं वो आप सब ने पढ़ा होगा इसके अलावा क्या आजम के मुताल भी यही माना जाता है कि उनकी फैमिली जो है वो इसमाइली थी और वो इसमाइली एहल तशी थे और वो जो है वो आगा खान सोयम जो है वो उनको इमाम मानती थी उनकी जो फैमिली है लेकिन फिर वो बाद में जो है वो नाइनटीन uh, फिफ्टीन में उन्नीस सौ पंद्रह में उन्होंने ये uh, चेंज किया था इसमाइली से वो बन गए थे अशरी uh, शिया uh, कैद अजम के मुतालिक है और फिर न, अब जो रिसेंटली uh, uh, जो है वो उनके बारे में ये है कि उनके दोस्तों ने और उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कोर्ट में केस भी किया था उसको प्रूफ भी किया है कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में, में जो है कैद आजम मोहम्मद अली जनाब uh, सुन्नी सेक्ट में आ गए थे सुन्नी uh, फिर में आ गए थे तो ये उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आ रहा है और इस हवाले से तो ये एक लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कि चीजों का भी। सी के हवाले से जो है वो सार आगा खान सोएम जो है वो लीडर रह चुके हैं हमारे मुस्लिम लीग के और अभी उनके पंजम चार्जर उन्होंने रिसेंटली गिलगत में विजिट भी किया दो में क्योंकि गिलगित में के में इसमाइली तशीर रहते हैं बलुचिस्तान में भी रहते हैं जी उधर अफगानिस्तान में भी रहते हैं तो एहलित ये इसमाइलियों का फाति फातमीद भी कहते हैं इन्होंने एम्पायर खड़ी करनी है और इन्होंने अबासीद को जो है ना वो अच्छा खासा टफ टाइम देना है इन्होंने तो इस बात को हमने जो है वो माइंड में रखना है अब इसके बाद रह गए जी करामती अगर करामती को देखा जाए तो करामती जो है ना उनमें कौन से एहलतशी आ जाती है ये भी इस्माइल को ही मानते हैं लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट है कि जो इमाम इस्माइल थे वो वोबत में चले गए हैं और यानी कि ऊपर उठा लिए गए हैं और वो वापस आएंगे एक दिन और जब वो आएंगे तो उनकी जो है वालदा का नाम जैसे आमना होगा और वालद का नाम अब्दुल्ला होगा तो वो कुरेश में आएंगे पूरे तो वहां पर मक्का का कंट्रोल संभालेंगे और फिर खुरासान से लोग जाएंगे उसकी हेल्प करेंगे और वो स्टैब्लिश करेंगे हुकूमत और फिर जो है वो हमें वो याद ताज़ा करवाएंगे एक मरतबा खुलाफाशदीन की और यूं इस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम का बोल बाला होगा ये एक कॉन्सेप्ट है किसका जी करामतियों का करामती कहते हैं कि इस्माइल इमाम इस्माइल जो है उनके वो अभी गाबत में चले गए थे और फिर अब वो जो है ना जब वापस आएंगे तो इमाम मेहदी की सूरत में आएंगे तो ये इमाम मेहदी के बारे में एक कहते हैं कि वापस आएंगे एक कहते हैं कि बस उन्होंने आना ही नहीं है वो इसमाइल हजरत इमाम आ,

ईरान का कुछ एरिया शामिल है तुर्कमानिस्तान का कुछ एरिया शामिल है और उस पाकिस्तान को देखें तो इसका बहुत सारा ये एरिया शामिल है और अफगानिस्तान का ये वाला एरिया शामिल है जी जो वेस्ट वाली साइड है पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो जनूबी वजीरस्तान का इलाका है वो शामिल है और तो में लेकिन ये जो पाकिस्तान का जनूबी वजीरस्तान का इलाका ये शामिल नहीं है और इसमें जो आ, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है ये भी शामिल नहीं है जो पा, पाकिस्तान की बाउंड्री को लगता है इससे जो आ, जो मगरबी एरिया है वो खुरासान में आता है यह आपको खुरसान की टेरिटरी नज़र आ रही है यहाँ से लोग काले झंडे लेकर और एक ऐसा नाकबिल शिकस्त यहाँ से एक काफिला निकलेगा जो अरेबिया की मदद के लिए यहाँ पर जाएगा और एक बहुत बड़ी पावर इकट्ठी होगी और पूरी दुनिया पर जो है वो मुसलमान एक मरतबा फिर से जो है वो रूल करेंगे ये आपको जी नजर आ रहा है खुरासान का एरिया तो यहां तक ये कवर हो गया अब इसके बाद जो है हम जी देखेंगे कि इमाम जो है वो हमने देख लिए इमामों के बेटे भी हमने देख लिए और अब जो है ना हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं पॉलिटिक्स में ये चल रहा था उस टाइम पे कि अबासीद का 100 साल गुजर चुका था अबासीत के टोटल जो है वो आपको पता है इन्होंने टोटल हुकूमत की है जी अगर आप काउंट करें अ, एडी में काउंट करें या हिजरी में हिजरी में काउंट करते हैं तो एक सौ राशिदीन गए थे इकतालीस हिजरी इकतालीस से आगे जो है वो सॉरी इकसठ हिजरी इकसठ हिजरी तक और इकसठ हिजरी के बाद जो है वो उमैयद आ, आ गए थे उमैद इकसठ से लेकर एक सौ बत्तीस हिजरी तक और एक सौ बत्तीस हिजरी से अबासिद आ गए थे और एक सौ बत्तीस से लेकर ये चले गए थे जी आठ सौ छप्पन हिजरी तक आठ सौ छप्पन हिजरी तक ये सॉरी नौ सौ छप्पन हिजरी तक नौ सौ छप्पन हिजरी तक तो अब इसके बाद अगर हम एडी के हिसाब से देखें तो इनका जो इरा बनता है जी वो सात सौ पचास में अबाद सफा आता है तो बारह आठ में जाकर हलाक खान इनको बर्बाद करेगा इनकी जो आ, अपना कैपिटल है कैपिटल जो बगदाद के उसको बर्बाद कर देता है और मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाती है इनको अबासीत को और ये खत्म हो जाती है इनकी निक्षिय डायनेस्टी तो 1200 ये आठ इनके बनते हैं जी 1200 तक अः तो ये सारा जो है ना इरा इनका 806 साल का अब इसमें 100 साल तो आप निकाल लो ना जी 508 सौ आठ साल तो सो टोटल बनते हैं एक साल अरूज का निकाल लो बाकी चार साल बनते हैं चार साल में इनका डिक्लाइन होगा इस तरह ऐसा अब ये डिक्लाइन की वजह जो बनते हैं ना वो एक तो फातिमी दयाल तशी बनते हैं अब इसमें फातिमी कौन है जी ये मानने वाले हैं इमाम आपको पता है जी इमाम इस्माइल के अब देखें इमाम जो थे हमारे उन्होंने सियासत में कोई हिस्सा नहीं लिया और आपको पता है जैनदीन ने मना कर दिया था कि अः उनका जो आ, 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 पीछे से चल रहा था तबाबीन के साथ कनेक्शन उनको कहा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया या हजरत अली को तो अब जो है आप बदले की बात करते हो तो आप यहां से आप चले जाओ तो इन्हों इन, इन बारह के बारह इमाम ने कोई हिस्सा नहीं लिया पॉलिटिक्स में हजरत अली अल रिदा के बारे में जो आठवें नंबर पे इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट है एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि मामून रशीद ने अबास खलीफा ने इनको एक ऑफर की थी कि मैं इनको खलीफा बना दूंगा लेकिन बाद में उसने एक साजिश के जरिए इनको शहीद करवा दिया और बाकी ये जो इमाम है इन्होंने बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया लेकिन इमाम जाफिर के बेटे इस्माइल इमाम इस्माइल के जो चाहने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने ये अम्पायर खड़ी कर दी थी अः फातिमीद अम्पायर इमाम इस्माइल ने खुद ने नहीं ना ही इमाम बाकर ने उनके चाहने वालों में अब उनके चाहने वालों में देखें जब अबास जो है वो कमजोर पड़ रहे थे तो उस वक़्त फलस्तीन के एरिया में आ, और आ, जो है दूसरी तरफ अगर देखा जाए अफ्रीका के एरियाज में वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं तो अफ्रीका में एक अब्दुल्ला अल और अल महदी जो है उनके नाम से एक बंदा जो है वो एक्टिव होता है जो फातमीद एह तशी होता है यानी कि वो आपको जो है वो इसमाइली एहल तशी होता है जी तो वो लोगों से बैत लेना शुरू कर देता है लोगों को अपनी तरफ मुतव करता है और इस तरह से वो एक बहुत बड़ी अंपायर खड़ी कर देता है और उस अंपायर को हम क्या कहते हैं जी फातमीद अंपायर ठीक हो गया जी और फातमीद अंपायर वो कब स्टार कब आ, जो है वो एस्टैब्लिश करता है फातमीद अंपायर को वो एस्टैब्लिश करता है जी 900 9 में 900 9 में देखिए बासित का इरा कब से कब तक है अबासिद चलते हैं 750 से 850 सौ अरूज 850 के बाद कमजोर होना शुरू हो जाते हैं इवन जब 909 तक बात पहुंचती है फातमीद अंपायर की बुनियाद पड़ जाती है और फातमीद अंपायर 900 से लेकर 200 साल 250 साल तकरीबन 900 सत्तर तक 1170 तक जो है 909 से 1170 70 भी लिखते हैं कुछ तो ये तकरीबन 250 साल के करीब हुकूमत करते हैं और ये कौन से एरिया में करते हैं जी देखें मैंने कहा है कि अफ्रीका में अफ्रीका में आपको पता है जी अबासद की टेरिटरी देखते हैं अबासीद का जो टेरिटरी है उसको देखते हैं जी एक तो अबासद जू ही बैटल ऑफ जब हुई तो अब्दुलरहमान दाखिल चला गया था स्पेन के एरिया में देखिये मैं डिफाइन कर दू इस इस सारे नक्शे को ये अबासद अम्पायर ग्रीन कलर में है और आपको पता है ये जो ब्लू कलर है ये पानी को शो कर रहा है पानी कौन सा है जी मेडिटेरियन सी ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है आपको पता है मोराको के ऊपर और स्पेन के दरम्यान तो अब ये स्पेन में किसकी हुकूमत है जी उमैयात की अल दाखिल यहाँ पर हुकूमत कर रहा है जो तारक बिन ज़ियाद ने फतः किया था बाकी का एरिया जो है ये आपको मिसर नज़र आ रहा है मिसर के ऊपर ये आपको लीबिया ट्यूनिशिया और इसके अलावा मोराको का कुछ एरिया ये सारा अबासत के पास था और इसके अलावा आपको नजर आ रहा है जी ये सनाई पैनसोला ऊपर आपको ये फलस्तीन इसराइल और आपको पता है जॉर्डन और मौजूदा इराक और ये तुर्की नजर आ रहा है आपको ये नीचे इराक है फिर हिजाज का एरिया मक्का मदीना यमन ओमान ये बहरेन की आपको जजीरा नज़र आ रहा है ये पर्शियन गल्फ है जी पर्शियन गल्फ के बाद आपको ये एरिया नजर आ रहा होगा ईरान का ईरान के अलावा आपको ये ऊपर उजबाकिस्तान मावरा नहर ये कैस्पियन सी के साथ साथ ये सारा एरिया ऊपर उजबाकिस्तान तुर्कमीनिस्तान अफगानिस्तान का बहुत सारा एरिया ऊपर और ये नीचे इसके अलावा ये सिंध का कुछ एरिया जो मकरान कोस्टल लाइन है हमारी ये सारा अबासीद के पास है ये सारा चीज से चीन से छिन जाना है इसको कौसे कैसे कौन कौन छिन रहे है पहले तो हम बात करेंगे जी फातमीद की फातमीद ने कहा पर अपनाब्लिश की है अंपायर यहाँ पे यहाँ मिस्र ट्यूनिशिया और लीबिया का ये एरिया सारा इन्होंने कैप्चर करके ये अ, ये अंपायर खड़ी कर दी थी कौन सी फातिमीद अंपायर जो 250 साल चलती है 909 से लेकर ग्यारह तक और इन्होंने अपने इस एरिए में जो है मिस्र को भी शामिल किया और फिर इराक को भी इन्होंने शामिल कर लिया था इराक भी इन्होंने फतेह किया सीरिया भी इन्होंने फतेह कर लिया और साथ में यहाँ पर जो सिसली का जज़ीरा जो हजरत उस्मान ने फतेह किया था सिसली का जज़ीरा जो है ये भी इस पर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया और ये एक बहुत बड़ी आ, जो है इन्होंने फातमी तो अंपायर खड़ी कर दी थी जो 200 साल चलती रहती है तो यहाँ पर जो है ना और किसने अंपायर जो है वो खड़ी किया है और अल मेहती आपने नाम याद रखना है अब दूसरी तरफ आते हैं जी कि ये 909 में स्टार्ट हुआ यहाँ पर कंफ्लिक यहाँ पर 909 में जो है वो आ, इसके बाद जो है वो अबासिद का डिक्लाइन हुआ अब अगर 915 की बात करें तो बहरेन में करामती एहल तशी जो है वो यहाँ पर बहरेन में जो है वो एक्टिव हो गए थे कौन से जी करामती अब कुरा, करामती जो है जो एक्टिव हुए हैं इनको देखा जाए तो इनको जो है वो ताहिर अल जम्बी ताहिर अल ताहिर अली जम्बी ये एक लीडर थे इन्होंने 915 में जो इनके करामती तशी जो कहते हैं कि हजरत इस्माइल जो है वो गाबत में चले गए हैं और वो फिर वापस आएंगे मेहदी की मा मेहदी की सूरत में तो इन्होंने बहरेन का एरिया जी आपको नजर आ रहा है ये पानी है पर्शियन गल्फ है तो ये बहरीन का एरिया है जी बहरेन के एरिया में जो छोटा सा इलाका है यहाँ पर इन्होंने एक अपनी जो है वो इस्टिश कर ली अपनी एम्पायर तो इन्होंने फिर बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए अः के लिए इन्होंने बात के साथ जंगे की इन्होंने मक्का पर एक मरतबा हमला कर दिया मक्का मुकरमा पर और इन्होंने मक्का में दाखिल होकर वहाँ पर जो जहाज कराम थे उनको काट काट के कुएं में डालते कौन सा कुआं जी आब का जिसकी गहराई कितनी फुट 98 98 98 और मीटर को भर दिया था कतलेआम करके और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि ये चले गए आगे और काबतुल्ला में जो हिजरे असद नस्फ था हिजरे असवद था उसको जो है वहां से इन्होंने निकाला और चुरा निकल गए वहां से और ये तारीख का हिस्सा है जी और फिर अबासद इतने वीक पड़ गए थे कि वो हजर फिर नहीं ले सके उनसे करामतियों से फिर इन्होंने तीस साल के बाद बहुत सारे पैसे उनको दिए दिएम दिए दिनार दिए इनको करामतियों को अबासीद ने और यहाँ से ये हजर इस्वत इन्होंने लिया और फिर वापस जाके इन्होंने नस्ब किया तो ये एक तारीख में एक बड़ा अजीब सा वाक्य था तो क्रामती जो है वो बात करने की मतलब ये है कि यहाँ पर ये इतने ज्यादा वीक हो रहे थे अबासीद ये नौ सौ पंद्रह की बात है नौ सौ पंद्रह के बाद बाद की बात है तो नौ सौ पंद्रह में जो है वो जो है वो अली ने इनकी बुनियाद डाल दी इनकी डायनेस्टी की तो करामतीज ने यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे छिनता जा रहा है बासित से ये एरिया तो ये पूरा एरिया इजिप्ट लीबिया तनिशिया अफ्रीका सारा इनसे छिन गया स्पेन पहले से ही उमैयाद के पास है अब्दुल अल दाखिल के पास इनके पास से सीरिया भी छिन गया सिसली का जजीरा भी चला गया इनके हाथ से अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो इलाका इनके पास इराक के नीचे ईरान का एरिया है ये भी इनसे छिनना छिनना जा छिना जाएगा कैसे छिना जाएगा यहाँ पर आपको पता है इराक की इनकी मदद से ईरान की ही मदद से ईरान की ही मदद से जो है वो अबास आए थे इसमें आ, अपना इन्होंने एम्पायर इस्टेब्लिश की थी आपको याद होगा अब मुस्लिम खुरासानी उन्होंने अबा, अबा सफा के साथ मिल के इस अम्पायर को इस्टैब्लिश किया और मुस्लिम खुरासानी ने क्या किया था अब मुस्लिम खुरासानी झंडे लेकर निकला था सिस्तान के एरिया से जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है सिस्तान सिस्तान का एरिया तो वहां से निकला था और इसने छ लाख लोगों को कत्ल किया और जो हामी थे उमैयात के और उमैयात को जो है इन्होंने बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया और अबास खिलाफत कायम करवा दी इन्होंने और फिर बाद में इनको शहीद करवा दिया गया अबो मुस्लिम खुरासानी को ताकि जो है वो आगे गड़बड़ ना करे ये अबास मामला में क्योंकि अम्पायर इस्टेब्लिश हो गई थी अब्बास सफा की तो अब यही ईरानियंस इसकी अरूज का भी वजह बने और यही ईरानी इनके जवाल की भी वजह बनेगी कैसे बनेगी अब्बास सफा का जो अबू मंसूर का जो वजीर आजम था वो ईरान से था अबू मंसूर तो ओवरऑल हेड कर रहे थे ना वो मुनार्क थे तो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे थे जो उनका वजीर आजम था वो ईरान से था अब अब, 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 अब इसके बाद अल मंसूर के बाद आपको पता है अलमेहदी आया दस साल के लिए ये देखे अब सात सौ पचास से चौबन चौवन से सात सौ पचहत्तर तक अल मंसूर सात सौ पचहत्तर से लेकर सात सौ पचासी तक मेहदी आया मेहदी के बाद एक साल के लिए हाथी आया छियासी तक छियासी के बाद आ गया था मामून रशीद हारून रशीद हारून रशीद सात सौ पचासी से आठ सौ नौ तक हुई थी एक तो मक्का मुकरमा से से थी और और एक उस और उसका बेटा था उसबे से अपना अल अमीन अल अमीन उसका बेटा था और दूसरा उसका बेटा था एक ईरान से उसने शादी की हुई थी और उसका उसके बेटे का नाम था जी आ, अपना आ, मामून मामून और रशीद तो अब पहले बड़ा बेटा था ये वाला आ, जो कुरेश वाली बीवी से था तो उसको उन्होंने लगाया था अलमीन को तो दूसरी तरफ लगा दिया था उसने मामून को तो अब मामून ने तीन चार साल के बाद आ, जो है वो आठ सौ तेरह में उसने एक कत्ल करवा दिया अलमीन को अपने भाई को और खुद वो रियासत का जो है वो बादशाह बन गया यानी ईरान से इन्फ्लुएंस आ रहा है मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ईरान वाले लोग आ रहे हैं अब और ईरान के वो मामुनुर रशीद ईरानी माँ से था लेकिन बाप की तरफ से तो अभी भी वो वहीं से चल रहे है जी प्लान से जो मामून रशीद और वो उधर से चल रहे हैं हमारे पास अहले बैत वाला आप आ, समझ अहले बैत में से तो नहीं है बैत के मानने वाले हैं ऐसे कह लें आप बैत के मानने वाले हैं तो अब इन्होंने अबासद में से है वो सॉरी अबासीद में से है मामून रशीद तो अब आ, अबासीद फैमिली से हजरत अब्बास से अब मामून रशीद ने फिर अपना वजीर आजम जो है जहर सी बात ईरान से लगा दी अपनी बेरोसी सारी ईरान से लगा दी ईरान के लोग बहुत ज्यादा बेरोक्रेसी में आ गए और फिर यही वजह बनी कि आस्ता ऐस ऐसा जो है वो ईरान में आ, 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 अंदर से ईरान के अंदर से जो है वो एम्पायर बनना शुरू हो गई मामून रशीद के बाद मामून रशीद के बाद तो उसमें समानित अंपायर ईरान अब पूरे का पूरा इतना बड़ा रीजन है आपको पता है ईरान का बहुत बड़ी टेरिटरी है ईरान के अंदर तीन छोटी छोटी अंपायर बन गई उनका नाम मैं क्विकली ले लेता हूं जी समितिटी बन गई है, एक बोहिद डायनेसिटी और एक बोहिद एच आई डी बोहिद डायनेसिटी बन गई तो तीन छोटी छोटी रियासतें बन गई ईरान के अंदर और यहाँ पर इन्होंने पहले तो उम, इनको बासिद को टैक्स दे रहे थे कि जो है हम चला रहे हैं सिस्टम को तो आप टैक्स लेते रहो फिर उन्होंने बाद में कहा कि जी हम तो आपको टैक्स भी नहीं देते जहर सी बात है हो गए थे ऊपर का एरिया उनसे छिन गया था सारा ए, आ, अफ्रीका और ऊपर सीरिया इराक वगैरह तो उन्होंने कहा कि हम भी इंडिपेंडेंस गेन कर लें और इन्होंने यहाँ से अबासिद को भगा दिया तो पूरे का पूरा ईरान जो है अब ये जो है इनके हाथों से चला गया समझ आ गई बात की तो अगर हम मैप में देखें तो अब इनके पास कौन सा एरिया बाकी रह गया जी अबासीद के पास अबासीद कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं ऊपर का एरिया उमैयत के पास है जी स्पेन अलदाखिल के पास ये सारा एरिया छिन गया फातमीद के पास चला गया इजिप्ट इजिप्टीशिया लेबिया वगैरह इराक इसराइल जॉर्डन फ़लस्तीन और तुर्की अभी इनके पास है तुर्की अभी अबासीद के पास है इसके अलावा इराक भी छिन गया अच्छा जी नीचे का एरिया ईरान स्टार्ट हो गया ईरान ये सारा ईरान जो है इराक के बाद ये वाला ईरान सारा ईरान इनसे छिन गया बोहिद डेनेस्टी और वो बोहिद और ये डेनेस्टी ने इनको जो है वो बांट लिया ईरान को अब ऊपर का एरिया बच जाता है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया अबासिद के पास है अभी और सिंध में अबासिद का एरिया है तो इसको जो है वो सलजूक अम्पायर्स मंगोल और तुर्क अम्पायर आपके पास इसके अलावा तातार आ जाएंगे ये आकर इस एरिया में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस स्कैम करेंगे और ये भी इनसे जो है वो छीन लेंगे तो अब जो आपके पास अबासीद हैं वो सिर्फ और सिर्फ महदूद रह जाते हैं बगदाद तक बगदाद के कुछ एरिया में और उसको भी फाइनली मंगोल आके खत्म कर देंगे लेकिन इससे पहले कि अब हम बगदाद की तरफ जाने से पहले हम ये एरियाज देखेंगे कि जहाँ पर मंगोल और ये तुर्क वगैरह ये कैसे इन्होंने आके यहाँ पर चीजें ली और एक और इलाका है जी मावरा नाहर ये भी डेनेस्टी के पास था जो उमैय के दौर में फता हुआ था सात सौ पैंतीस ए डी में फता हुआ था जी आ, अबर इबन सईद के दौर में वैसे तो कुतैबा बिन मुस्लिम है जी जिन्होंने सेंट्रल एशिया को जो है वो आपको पता है ओवरऑल एनेक्स किया था आ, तो ये उम्मत के दौर में हुआ था जी सेंट्रल एशिया कुतैबा बिन मुस्लिम के आ, आ, दौर में आ, वो कमांडर थे तैबा बिन मुस्लिम उन्होंने फतह किया था तारक बिन जिया उधर गए थे मोहम्मद बिन कासिम इधर आए थे तो एक ही टाइम पर ये सारे फतह हुए सात सौ ग्यारह बारह में तो अब ये जो एरिया है जी मावरा नाहर इसको देख लेते हैं क्विकली मावरा नाहर जो है ये दो दरियाओं के दरम्यान का एरिया है और कौन से दो दरियाओं के दरम्यान ये जो आपके पास कैस्पियन सी आपको नजर आ रहा है जिसके साथ तुर्कमेनिस्तान आजरबाईजान और रशिया ऊपर से लगता है इधर से कजाकिस्तान लगता है इधर से तुर्क ईरान लगता है तुर्कमेनिस्तान लगता है यहां पर इस कैस्पियन सी के साथ अगर देखें तो एक अराल सी आपको नजर आ रहा होगा अराल सी इस तरफ जी कजाकिस्तान की और उजबाकिस्तान की जो है वो बाउंड्री को टच कर रहा है छोटा सा ये एक सी है आ, वैसे तो ये एक लैक है लेकिन एरिया में बड़ी है तो एरिया में बड़ी हो तो हम उसे सी कह देते हैं अगर दरमियानी साइज की है तो लैग कह देते हैं अगर बहुत छोटी है तो हम पाउंड कह देते हैं तो अब इसमें से दो दरिया निकलते हैं अब ये जो सी है इसमें से दो दरिया निकलते हैं एक का नाम है जी सायर दरिया या सायर रिवर एस आर सायर एस आर सायर रिवर और दूसरा एक रिवर निकलता है जी आमू दरिया या जिसे आप ऑक्सिस रिवर कहते हैं अब आमू दरिया को देखें तो वो उजबाकिस्तान से निकलता है जी उजबाकिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान में चला जाता है ये आ रहा है जी तुर्कमेनिस्तान से होता हुआ ये अफ़गानिस्तान में आ जाता है तो आपको आमुद्रिया और अफग़ानिस्तान की सरहद जो मगरबी सरहद है उसके साथ साथ होता हुआ ये आगे जाता है ताजिकस्तान की तरफ अब इसके तरफ दूसरा सायर दरिया जो है ये कजाकिस्तान से निकलता है जी कजाकिस्तान से होता हुआ ताज ये करगजिस्तान में चला जाता है जिस्तान से होता हुआ ये ताजिकस्तान में आता है और ऊपर से आपको पता है ताजिकस्तान के साथ ऊपर से आ रहा था आमू दरिया तो ये जहां पर मिलते हैं तो इन दो दरियाओं के दरम्यान ये जो एरिया बनता है ना आमू दरिया और आपके पास जो दूसरा ऑक्सिस रिवर या आमू दरिया ऑक्सिस रिवर और दूसरा आयर आयर रिवर ये सॉरी सायर रिवर सायर रिवर और आमू दरिया के दरमियान आमू या को ही कहते हैं ना आमू ऑक्सिस एक नाम है और इधर से सायर है तो इनके दरम्यान ये जो रीजन है इस बड़े रीजन को हम मावरा उन्नार या इंग्लिश में ट्रांसोजियाना रीजन कहते हैं यहाँ पर जो अम्पायर है ना ये भी अबासद अभी रूल कर रहे थे मैं ये समझाना चाह रहा था लेकिन इस ट्रांसो ट्रांसोजियाना रीजन या मावरा उन्नार में अब तुर्क आकर हमला करेंगे और वो यहाँ से ले लेंगे इनसे टेरिटरी तुर्क कहाँ पर पड़े हैं जी तुर्क ये पड़े हैं कैस्पियन सी से ऊपर ये सी सी है जी सी से दूसरी तरफ ऊपर ईरान से ऊपर ईरान से ऊपर सी की मगरबी साइड पर वेस्टर्न साइड पर ईरान से ऊपर और तुर्की के इस तरफ मैं इसको एक और आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जो तुर्क हैं वो कहाँ पड़े हैं तुर्को ने हमला करना है इनके ऊपर ये अराल सी आपको नजर आ रहा है और ये कैस्पियन सी आपको नजर आ रहा है तो और कैस्पियन सी ठीक है जी तो यहाँ पर ये तुर्क पड़े हैं ये आपको ये जो नजर आ रहा है एरिया ये तुर्क पड़े हैं ये तुर्क अब ईरान पर हमला कर देंगे ईरान की जो छोटी अंपायर अभी हमने है उनको खत्म कर देंगे यही तुर्क मावराव नाहर में आ जाएंगे यही तुर्क इंडिया में आ जाएंगे पाकिस्तान में आ जाएंगे यही तुर्क ऊपर इराक में चले जाएंगे यही तुर्क ऊपर जो है वो जाके तुर्की के एरिया में और ये तुर्क फिर आगे चले जाते हैं और पूरी दुनिया पर फैल जाते हैं तुर्कों में आप मजे की बात बताओ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तुर्क दरअसल एक बड़ी कौम थी इसी की शाखें आगे मंगोल भी इन्हीं में से हैं तातार भी इन्हीं में से हैं आपने तातारियों को पढ़ा होगा आपने मंगोलों के बारे में सुना होगा आपने सलजूक के बारे में सुना होगा एयूबीत के बारे में सुना होगा आपने जो है वो ये सुने होंगे सारे हमारे पास जो गौरिया ये स्लेव डायनेस्टी हमारे पास आई थी ये सारे के सारे लोग तुर्क हैं इनको हम मैं इनशाला कल डिटेल से बताऊंगा आपको फिर मंगोलों को भी हम डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे अबासीत पर हमले करके अबासत को तुर्कों ने खत्म कर दिया और इस्लाम को फिर रिप्रेजेंट किसने किया तुर्कों ने किया जी तुर्कों ने हजार साल से ज्यादा जो है वो हकूमत की ये अंपायर आपके पास उन्नीस तक तुर्क जो है वो दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं तो तुर्कों को हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है अभी जहाँ पर इसको रोक देते हैं जी ये चीज़ें आप आराम से देखें कवर करें और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम इस शबासीत डायनेस्टी को आखिरी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे तो चीज़ों को कनेक्ट करें मामला को तीन पार्ट्स में हमने अबासीत को डिवाइड करना है दो लेक्चर हो गए कल इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में इसको जो है वो समप कर देंगे अल्लाह हाफिज़